आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब प्यार में होंगे। प्यार में तो उर्वशी रोते लाए बे, उसको हर दिन प्यार हो रहा है। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं तुम लोग को एक बात बताती हूँ। मैं जब क्लास 9 में थी तो मेरी एक दोस्त थी जो उर्वशी रौतेला से बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मैच करती है, चेहरे से भी और हरकतों से भी। उसको भी हर रोज प्यार हो जाता था, और जितना अमीर लड़का उतने जल्दी प्यार होता था। अभी अगर आप लोग में से कुछ लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, उर्वशी रौतेला को अब प्यार हुआ है नसीम शाह से, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा भाई किसी सेलिब्रिटी को एक दूसरे के साथ अगर फैन एडिट कोई किया हो, जैसे कपल टाइप का फैन एडिट कोई किया हो तो अपलोड करते हुए, मैंने कभी नहीं देखा है। पर उसने अपने इंस्टाग्राम पेज पे किया था, और अब उसका कहना है कि भाई वो तो मतलब हमने ऐसे ही रैंडमली कर दिया था, क्यूट लगा था तो, और वो एडिट है ये। देखा, इसमें कहीं से भी ये ऐसा रैंडम एडिट सा लगा नहीं ना, क्योंकि ये था नहीं वे, ये कुच्चू मुच्चू वाला ही एडिट था। और नसीम शाह आई अग्री, बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन ये क्या लपक्का बाजी हुआ बताओ। पहले तो ये ऋषभ पंत के पीछे पड़ी थी, और जब उन्होंने भी मजाक उड़ा दिया तो कहती है हम तो क्रिकेट ही नहीं देखते हैं, और फिर क्रिकेट देखने चली गई थी। क्रिकेट देखने गई तो गई, अब नया क्रश बना के आ रही है नसीम शाह। उनके साथ बनाया हुआ फैन एडिट को अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती है, और जब लोग बोलने लगते हैं तो कहती है कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही रैंडम एडिट था, वो भी मैंने नहीं पोस्ट किया था, ये तो मेरी टीम ने पोस्ट किया था। अब तो सच बोल दे भोर। Couple of days back, my team shared all fan-made cute edits around 11 to 12 without any knowledge of other people involved in it. Would kindly request media to not create any sort of news. Thank you all, love you. नीचे ऋषभ पंत और नसीम शाह वुमन करके हंस रहे हैं। वुमन अच्छी होती है, हरकतें उनकी मतलब उर्वशी रौतेला माफिक होती है। उर्वशी रौतेला आजकल राखी सावंत प्रो मैक्स बन गई है, मतलब शी इज गोइंग क्रिंज डे बाय डे भाई। बस शक्ल ही अच्छी है बेचारे की, हरकतें उसकी वैसी ही है, राखी सावंत माफिक। मतलब आजकल तो वो कुछ भी करती है बे मीडिया में रहने के लिए। उर्वशी की टीम भी बोल रही होगी मुझे क्यों तोड़ा, और उर्वशी सफाई क्यों दे रही है पता है? क्योंकि नसीम शाह ने ऐसा बोल दिया था अपने इंटरव्यू में। स्माइल तो आपके सवाल पे आ रहे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि उर्वशी कौन है, क्या है, क्या नहीं पता। और पता नहीं लोग इस तरह की वीडियोस वगैरह वो करते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है कैसा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन कोई इस तरह। ओ भाई, इतनी गजब बेइज्जती होने के बाद कोई भी चुपचाप कट लेगा, लेकिन उर्वशी अब भी आके सफाई दे रही है उर्वशी कौन है क्या है पता नहीं। जी यार, शर्म करो, भगवान से डरो। अभी तो उर्वशी ने सफाई दे दी, लेकिन मेरे को पता है कुछ दिन बाद वो क्या बोलने वाली है। I'm not going to take the name, लेकिन जब मैं मुंबई आई, मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, लेकिन जब मैं मुंबई आई तो आई वॉज सो टायर्ड, मैं जाके सो गई, और नसीम सॉरी आई वुड नॉट लाइक टू टेक द नेम वॉज वेटिंग फॉर मी फॉर 10 hours, एंड आई वॉज सो सॉरी फॉर, मतलब मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मुझे लिटरली बुरा लग रहा था। तो मैं गई उनसे मिलने, मैंने उनको सॉरी बोला, और फिर मीडिया ने न्यूज बना दी, जबकि मैं चाहती थी। उर्वशी तुम बहुत भयंकर खिलाड़ी हो बे, तुम क्रिकेट का खेल देखने जाती थी, लेकिन ये कौन सा खेल सीख के आ रही हो बे। भाई उर्वशी 2 मैच आई थी, हम दोनों जीते थे, नसीम शाह के साथ स्टोरी डाली, आज उसकी परफॉर्मेंस देखो वही लकी चार्म थी, और सब उसे ही पनौती कह रहे हैं। बताओ, ये उर्वशी का सीक्रेट पीआर था गाइस, लेकिन कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता चला। नसीम का परफॉर्मेंस इज इक्वल टू लड़की का चक्कर बाबू भैया, कम ऑन शट अप। मेरे को ये चीज इतनी गंदी लगती है ना ऑडियंस की, मतलब अगर कोई प्लेयर गंदा खेलता है तो वो भी किसी लड़की पे थोप देंगे कि भाई इसकी जब से शादी हुई, इसकी जब से गर्लफ्रेंड बनी है, तब से ये ऐसा बेकार खेल रहा है। अगर कोई प्लेयर अच्छा खेल रहा है तो भी लड़की पे थोप देंगे, मतलब लड़की बीच में लाए क्यों रहे हो बे तुम, प्लेयर का खुद का कुछ है कि नहीं? अभी वो ये भी अपने इंस्टा बायो में ऐड करेगी। एग्जैक्टली, उसको पता चलेगा, वो अंदर अंदर इस चीज को लेकर भी प्राउड फील करेगी। चलो कोई बात नहीं, इतनी बेइज्जती हुई तो हुई, लेकिन कोई लकी चार्म तो बोल रहे हैं। उसने पता नहीं क्या क्या लिख के रखा है बे बायो में, इंडियाज फर्स्ट, ये वर्ल्ड फर्स्ट, वो बाप रे भाई, वर्ल्ड को खुद नहीं पता तुम फर्स्ट कब हुए, लेकिन इन्होंने बराबर लिख के रखा है। ये वही कुछ लड़कियों में से है जो अपने इंस्टाग्राम बायो में लिखती है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम। उर्वशी बस यही एक लौता लकी चार्म वाला पोस्ट देख के सोच रही होगी, अब बोल ना मादर, अब बोल ना मादर। ये किसने कह दिया कि पति पत्नियों का दुख नहीं समझते? समझते बहुत अच्छे से समझते हैं, सिर्फ पत्नी दूसरे की होने चाहिए। हंसते चेहरे तो मतलब ऐनी हुंदा कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होनी, ये उसका परफेक्ट एग्जांपल है। उन दोनों बेचारे
प्यारी जो हंस रही है ना इस वीडियो में, उन दोनों को बहुत ही दुख है, खेद है इस बात का, लेकिन वीडियो बना रही है, अच्छा भी दिखना है तो हंस दिया उन लोगों ने, और कुछ अब बदल तो सकते नहीं है तो हंसी लो बेंचो। और क्या पता मैं गलत ही हूँ और भाभी जी के खुश होने का रीजन ये हो कि किसी और का पति इनका दुख समझ रहा है। बकचोद बनने का एक्टिंग कर रहा हो शुरू में, बाद में कुछ ऐसा अद्भुत सा रूप दिखा देगा। लेकिन नहीं भाई, तो पाउडर झाड़ने आया था भाई कैमरा पे। साले एक तो वैसे ही ब्लर वीडियो आ रहा था तुम्हारा, तुम पाउडर झाड़ के और ब्लर कर दिए उसको, और गाना देखो पीछे, बेचारा भोला होगा बे, क्या पता उसको लगा हो कि सिर्फ ऐसे पाउडर उड़ाने से ही कपड़े बदल जाते। बेचारा उड़ा दिया, देख रहे हैं कि कुछ बदला ही नहीं, हम तुम क्या, वो खुद ही शॉक होगा बे। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, वो भी पाउडर को दोष दे रहा होगा, ए चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। ऑलराइट, सो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना अपना फेवरेट पार्ट, वीडियो को शेयर जरूर करना विद उर्वशी फैंस, नसीम शाह फैंस एंड ऋषभ पंत फैंस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। अपना ख्याल रखें तब तक आप लोग, और यस।